रियलिटी शो बिग बॉस 17 में कई दिनों से कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर गुस्सा होते नजर आ रहे थे, लेकिन अब बिग बॉस ने घर के सदस्यों पर अपनी भड़ास निकाल दी है। खानजादी के साथ अभिषेक का बन रहा है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब सब डिटेल में जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी अपडेट रह ना जाए। बिग बॉस के घर के तीन सदस्य यानी अंकिता, सना और खानजादी को एक स्पेशल पावर मिली। बिग बॉस के मोहल्ले में एक भटकती हुई आत्मा की एंट्री हुई और इस आत्मा के पास कुछ खास अधिकार भी थे। तीनों लड़कियां टास्क में क्वीन या किंग मेकर बनी और बाकी बचे हुए सदस्यों के पास चांस था एक इम्पोर्टेंट पावर को अपने नाम करने का। इसके बाद अंकिता, सना और खानजादी सॉन्ग मेरे ढोल ना सुन पर डांस करती हैं। इसके बाद बिग बॉस कहते हैं कि आप किसे पावर की रेस से बाहर करना चाहती हैं, उनके नाम बताइए। फिर अंकिता ऐश्वर्या, नील और मुनव्वर को पावर की रेस से बाहर करती हैं। वहीं सना विकी, ईशा और अभिषेक का नाम लेती हैं। फिर खानजादी तहलका, समर्थ और बाबू भैया का नाम लेती हैं। उसके बाद घर के एक कोने में अभिषेक रिंकू से खानजादी के बारे में बात करते दिखाई दिए। रिंकू अभिषेक को समझाती हैं कि वो बहुत सिंपल लड़की है, उसे सिर्फ प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, तो आराम से सोचे। फिर जिग्ना कहती हैं, झूठे वादों से दर्द होता है तो वो किसी को मत देना। वहीं खानजादी विकी और अंकिता से बात करते हुए बोलती हैं कि सभी लोग बोल रहे हैं कि वो लव एंगल बनाने की कोशिश कर रही हैं, स्ट्रेटेजी बना रही हैं और लोग उनसे एक ही चीज पूछ रहे हैं कि तू लाइक करती है या नहीं, जिस पर उनका एक ही जवाब होता है कि मैं लाइक करती हूँ बल्कि पहले से ज्यादा करती हूँ, वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड है और ये वाला उसका जो साइड देखने को मिला है मैं उससे काफी इम्प्रेस हूँ, उसके इंटेंशंस प्यारे हैं। अब इस लव एंगल का क्या फ्यूचर होगा ये तो पता नहीं, लेकिन इसी तरह के बिग बॉस अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ यूं ही ENT Live पर।